Okay, now Abhi, how to handle requirement changes in VNV? How to handle requirement changes in VNV? Whenever कोडिंग होने के बाद यूनिट टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी ओके उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू हैंडल द रिक्वायरमेंट चेंजेस इन वीएनवी। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द रिक्वायरमेंट द सेम प्रोसीजर कंटिन्यूज एंड द डॉक्यूमेंट्स विल बी अपडेटेड। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ वीएनवी मॉडल क्या है। एडवांटेजेस ऑफ वीएनवी मॉडल, टेस्टिंग स्टार्ट्स फर्स्ट। एडवांटेजेस, टेस्टिंग स्टार्ट्स इन एवरी अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, विच अवॉइड्स डाउनवर्ड फ्लो ऑफ डिफेक्ट्स, विच इन टर्न रिड्यूसेस लॉट ऑफ रीवर्क। मतलब रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग, इसी प्रोसेस पे टेस्टिंग की जाती है और कवर की जाती है हर एक स्टेज पे स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स। सो उसी टाइम पे अब आपका डिफेक्ट्स प्रोड्यूस जो होना है वो कम होता है। ठीक है, टेस्टिंग इज इन्वॉल्व इन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब हर एक स्टेज में जो प्रोडक्ट डेवलप होता है उसी टाइम पे टेस्टिंग होती है। तो ये एडवांटेजेस है कि आपको बग जल्दी से मिल जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। डिलीवरेबल्स आर पैरेबल साइमल्टेनियसली एज डेवलपर्स आर बिल्डिंग SRS, टेस्टर्स आर टेस्टिंग CRS एंड ऑल्सो राइटिंग एक्सेप्शन टेस्ट प्लान, एक्सेप्टेंस टेस्ट केसेस एंड सो ऑन। वो ऐसे साइकिल चला होता है। दस एज द डेवलपर्स गिव द फिनिश प्रोडक्ट, दस हैज दी डेवलपर्स गिव दी फिनिश प्रोडक्ट, तो उसी टाइम पे टेस्टिंग टीम इज रेडी विद दी ऑल टेस्ट प्लान्स एंड टेस्ट केसेस एंड दस द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड फास्ट। मतलब उसका मीनिंग क्या है कि टेस्टिंग टीम के अगर आप फिनिश प्रोडक्ट आता है तो उसी टाइम पे उसके पास टेस्ट प्लानिंग होती है, टेस्ट केसेस होते हैं, तो उसके हिसाब से वो अच्छे से टेस्टिंग कर सकता है, टेस्ट एग्जीक्यूशन कर सकता है। तो ये फिनिश प्रोजेक्ट, क्योंकि उसके पास क्या क्या है, देखो यहाँ पे है एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान, सिस्टम टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, उसके सब टेस्ट केस, फंक्शनल टेस्टिंग, उसके सब टेस्ट प्लानिंग और टेस्ट केसेस, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फिर वो अच्छे से टेस्टर्स टेस्ट एग्जीक्यूशन कर सकता है। अभी चौथा एडवांटेजेस, इसका इन्वेस्टमेंट जो है टोटल इन्वेस्टमेंट वो लेस है, क्योंकि इसमें डाउनवर्ड फ्लो ऑफ डिफेक्ट्स नहीं है। क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में जो डाउनवर्ड फ्लो होता था आप आगे नहीं, ऊपर नहीं जा सकते थे, तो इसी वजह से सो रीवर्क कम हुआ है। चलो दोस्तों, अभी देखते हैं कि इसका ड्रॉबैक्स, VNV मॉडल का ड्रॉबैक्स क्या है। इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये ज़्यादा है। क्यों? इसका रीज़न है कि फर्स्ट स्टेजेस से टेस्टिंग टीम चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए, डिज़ाइन के लिए, हाई लेवल डिज़ाइन के लिए, लो लेवल डिज़ाइन के लिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिचुएशन के लिए, कोडिंग के लिए, हर एक स्टेज के लिए टेस्टिंग टीम चाहिए। तो फिर उसके लिए उस रिसोर्स की सैलरी देने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर ये इसका ड्रॉबैक है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका ज़्यादा है, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टेस्टिंग टीम इज़ नीडेड। और एक इसका ड्रॉबैक है, सेकेंड ड्रॉबैक, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क ज़्यादा है इसका, मोर डॉक्यूमेंटेशन वर्क, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेज के लिए टेस्ट प्लानिंग एंड टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं और कई कोई अदर डॉक्यूमेंट्स भी है। तो फिर इसके डॉक्यूमेंट, मोर डॉक्यूमेंटेशन वर्क इज़ देयर एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ मोर। सो दिस आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ VNV मॉडल। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड द ड्रॉबैक्स ऑफ VNV मॉडल। अभी आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ VNV मॉडल क्या होता है। वी गो फॉर VNV मॉडल इन द फॉलोइंग केसेस। समझो, एक एप्लीकेशन क्या है कि जब लार्ज प्रोजेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, मतलब ज़्यादा दिन तक आपको प्रोजेक्ट वो कंप्लीट करना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे आता है, तो उसी टाइम पे इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फिर जब कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि हाई लेवल क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, तो फिर उसी टाइम पे स्टेज पे टेस्टिंग होती है।